हुई गर्मी से सभी लोग परेशान हैं और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे हाथ लगी है कि गर्मियों में आए दिन कहीं ना कहीं आग लगने की घटना होती रहती है। वहीं शहर में अब तक कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं। इसी चीज को देखते हुए मुख्य दमकल अधिकारी राजेंद्र उचके ने शहरवासियों से आग की घटनाओं से बचने की अपील की है, साथ ही जनता को आग से निपटने के लिए उपायों के बारे में भी जानकारी दी। उपराजधानी नागपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने के मामलों का खतरा भी बढ़ने लगा है। गर्मी के मौसम में आग लगने का सबसे ज़्यादा खतरा लकड़ी के टिम्बर मार्केट को होता है, वही गर्मी में छोटी सी आग भी विकराल रूप धारण कर सकती है। इसी चीज़ को समझते हुए मुख्य दमकल अधिकारी राजेंद्र उचके ने शहरवासियों से आग की घटनाओं से बचने की अपील की, साथ ही जनता को आग से निपटने के लिए उपायों के बारे में भी जानकारी दी। इंडस्ट्री या कारखानों को इलेक्ट्रिक ऑडिट कराना चाहिए, जिससे 90% समस्या समाप्त होगी, ऐसा कहते हुए उन्होंने अन्य बचाव उपायों के बारे में जानकारी दी। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और नागपुर शहर में जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि हर साल जो गर्मी का सीजन है उसमें फायर कॉल की संख्या जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पर बढ़ जाती है, तो नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर लकड़े का बहुत बड़ा टिम्बर मार्केट है, जिसको लकड़गंज या अपने मालगांव कापसी में जो बड़ा मार्केट है वो मार्केट की फायर्स, उसके बाद में जो ओपन यार्ड में स्क्रैप यार्ड्स है या फिर जो घास है फॉरेस्ट फायर्स है, इसमें बहुत वृद्धि हो जाती है। तो और जो एक छोटी चिंगारी है उसको फैलने में समर के सीज़न में एक पोषक वातावरण मिलने के कारण एक बड़ी आग में वो तब्दील हो जाती है। तो नागपुर वासियों से ये निवेदन है कि समर के सीज़न में कुछ उन्होंने सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आग लगे ही ना, और लगे तो वो फैलेगी नहीं, अगर फैलती है तो उसमें तुरंत काबू पाने के लिए जो उपाय योजना है, तो ऐसा 3 स्टेज पे अपन फायर का जो हानि है वो रोक सकते हैं। पहले तो आग न लगने के लिए जो अपने इलेक्ट्रिकल उपकरण है उसकी रेगुलर जाँच कराए, उसका लोड कैलकुलेट करें, जो बड़े इंडस्ट्रीज़ है जो बड़े कारखाने हैं उन्होंने तो ये रेगुलर करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ऑडिट अगर आप करते हैं तो आपकी 90% जो समस्या है वो वैसे ही हल हो जाती है। उसके बाद जहाँ से आग की शुरुआत हो सकती है वहाँ पर जलने वाले पदार्थ ना रखें, जैसे इलेक्ट्रिक के जो स्विच बॉक्स है या तो फिर जो स्विच गियर या तो फिर इलेक्ट्रिक के जितने भी उपकरण हैं जहाँ से आग की शुरुआत हो सकती है उसको सटीक लग के जलने वाले जैसे कपड़ा, अपने पेपर्स या फोम, गद्दे, ऐसी चीज़ें ना रखें, ताकि आग अगर लगती भी है तो वो एक लिमिटेड एरिया तक के ही कन्फाइंड रहे और आगे ना फैले। उसके बाद अगर आग लगती है तो हम लोगों ने अपने सामान को इस तरीके से रखना चाहिए सेग्रीगेट करके कि अगर लगती भी है तो एक सीमित मटेरियल तक के ही सीमित रहे, आगे ना फैले, तो उसको सेग्रीगेट करके दोनों भी जो स्टॉक करते हैं वो स्टॉक के बीच में गैप बना के रखे, जिसको फायर स्टॉप या फायर गैप भी बोलते हैं। फॉरेस्ट फायर में भी जैसा घास का एक पर्टिकुलर लाइन में कट करके उसका फायर लाइन बनाई जाती है, तो फॉरेस्ट फायर के लिए उस तरीके की सावधानी लेनी ज़रूरी होती है। अपने यहाँ जो गर्मी के चलते टारपोलिन के शेड्स या प्लास्टिक के शेड्स जो डालने का अपना इधर का ट्रेंड है, वहाँ पर भी जो कूलर की टेम्पररी फिटिंग से इलेक्ट्रिक का शादी ब्याह और मंडप के लिए जो टेम्पररी इलेक्ट्रिक की फिटिंग होती है उसमें भी काफ़ी नेकेड वायर, लूज़ वायर होते हैं और वहाँ से भी आग की शुरुआत होती है, और टेम्परेचर ऑलरेडी 45 डिग्री 43 डिग्री होने के कारण वो मंडप को, वहाँ के आसपास के जितने भी ज्वलनशील कपड़ा, घास या लकड़ा है वो तुरंत आग उसमें फैल जाती है। तो ये सावधानियां लेनी चाहिए कि आग की अगर शुरुआत भी होती है तो वो फैलेगी नहीं, वो कन्फाइंड रहेगी। फिर तीसरी बात, फायर फाइटिंग मेजर्स, तो आपके बिल्डिंग में लगे हुए, आपके ऑफिसेस में लगे हुए जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो हमेशा चालू स्थिति में चाहिए। जैसे ही अगर हम लोग कोई हाइड्रेंट का वॉल खोलते हैं या तो पानी का लाइन खोलते हैं तो तुरंत पंप शुरू होकर हमें प्रेशराइज वाटर मिलना चाहिए। तो ये मेंटेनेंस पे ध्यान देना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जब अपने को ज़रूरत है फायर उपकरणों की तो वो चलने चाहिए, ताकि हम लोगों ने जो इतना उसमें इंस्टॉलेशन पे जो खर्च किया हुआ है वो जब इमरजेंसी में अगर काम में नहीं आएगा तो वो खर्चे का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर मेजर्स, ये चालू स्थिति में रखना है। उसके लिए जिनके पास ये सिस्टम नहीं है, जो छोटे मोटा दुकान व्यापारी है जहाँ पर भी आग के खतरे बने, तो आप ड्रम में पानी रख सकते हैं, बकेट्स में पानी रख सकते हैं, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स रख सकते हैं, इस तरीके से आग पर तुरंत काबू मिलाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आग की शुरुआत जहां से हो सकती है वहां जलने वाली चीजें ना रखें। वहीं इस दरमियान उन्होंने आग से बचाव
आग लगने के बाद उससे निपटने समेत अन्य मुद्दे के बारे में जानकारी साझा की। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।